राष्ट्रीय जनता दल ने कल अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का बयान भी सामने आया। बता दें कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक शक्ति यादव हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी है। शक्ति जी, लगातार जो बयान आ रहे हैं, कल आपने 25वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लालू जी का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। लालू प्रसाद जी एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक असूल है, और कल राजद का स्थापना दिवस था। 25 वर्ष के सफर राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया, उसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। कल वो सशरीर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रमों में, दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सभी को उन्होंने हौसला अफजाई की, मंत्र दिया कि वर्तमान परिवेश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं कहीं न कहीं हिल गई है, देश टुकड़े टुकड़े की ओर अग्रसर है, अधिनायकवाद सर चढ़ करके बोल रहा है, कमर तोड़ महंगाई है जब से मोदी जी आए हैं, तो इन सारे सवाल जो जन सरकार से जुड़े हुए हैं, उन सवालों को कहीं न कहीं हल करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के कंधों पर है। उन्होंने मंत्र दिया है, इन मंत्रों को आत्मसार किया है नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जो कहीं न कहीं जिनको संविधान में आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है, धर्मनिरपेक्षता में आस्था है, एकता में आस्था है, उन सभी लोगों ने इन मंत्रों को आत्मसार किया है। क्या बोलते हैं सत्ता पक्ष के लोग, जिनके ग्रीवा अपने झाँक करके देखे ग्रीवान में, न जाने सहस्र छेद है जिनके, 70 घोटालों के सरताज संस्थागत भ्रष्टाचार के विश्व पितामह आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके छट्टे बट्टे कुछ ही बोल सकते हैं। 2500 करोड़ का सृजन घोटाला भूल जाते क्या? बालिकाओं के साथ जघन अपराध हुआ बालिका गृह में, मुजफ्फरपुर में सुप्रीम कोर्ट ने फटकारें लगाई, अबला की असमत को लूट करके प्यास बुझाने वाले तून वाले मुछ वाले लोगों का अत्ता पत्ता तक नहीं चला। इन अपराध से कैसे ही बचेंगे, कैसे बचेंगे शराब घोटाले से, बियाडा घोटाले से, कैसे बचेंगे इन संस्थागत भ्रष्टाचारों से, जहां इरिगेशन में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जहां अधिनायक बात थोपे गए हैं, मंत्री से लेकर के सेक्रेटरी के मर्जी के बिना कोई अपना हार्ड कॉपी ठेकेदार जमा नहीं कर, संवेदक जमा नहीं कर सकता है, जब तक उन पर चढ़ावा नहीं होगा काम नहीं होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिसका खुद जो बोलने वाले लोग हैं खुद सरकारी संपत्ति कब्जा किए हुए, उनकी चर्चा करें। अरे अपने गिरिबान में झाके जिसको जनता ने नकार दिया है, आपको जनता ने खारिज किया, ठीक है, चुनाव आयोग ने फैसले आपके पक्ष में दे करके, भले तकनीकी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक अन्य मार्ग के मुख्यमंत्री हैं, एक अन्य मार्ग से बाहर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, ना आपका अधिकारियों पर हक नियंत्रण है, न कर्मचारियों पर नियंत्रण है, पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक एकदम भ्रष्टाचार की जो है पूरी एकदम पटकथाएँ लिखी जा रही है, और नीतीश कुमार चुपचाप इन भ्रष्टाचार को होता देख रहे हैं, लुटवा रहे हैं संस्थागत तौर पर। तब तो जनता दल ने चंदा वसूली कार्यक्रम शुरुआत करने का निर्णय लिया, सब पैसा कहाँ जाएगा, लीगलाइज होगा जदयू के चंदा वसूली कार्यक्रमों से। बड़े ये चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, समझना पड़ेगा आपको। तो जी, एक सवाल ये है कि आरसीपी सिंह जो बैठक कर रहे थे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान भी दिया था, उन्होंने कहा कि हम जेडीयू के इस बैठक को अहम नहीं मानते, जब बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे तो वो जरूर बैठक होंगे। अब जब आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं, तो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो दौरे पर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है कि? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, जदयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सब नेताओं के सुर अलग अलग हैं। एक नेता जो तोड़ने में लगा हुआ था पार्टी का, उसके सुर अलग हैं। मुख्यमंत्री जो हैं उनके गिर्द गिर्द रहने वाले के सुर अलग हैं, अध्यक्ष का सुर अलग है। देखिए, बेसुरा हो चुकी है जदयू, और जनता का विश्वास भी खो चुकी है। इसके अंदर अब कुछ बचा, कोई चैप्टर ही नहीं है बिहार की राजनीति के लिए। जदयू का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये फ्यूज बॉल है, फ्यूज बॉल। इससे अब कितना ही मरम्मत करा लीजिए, अच्छे प्रकाश की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, शक्ति यादव थे। और देखिए, कल जिस तरह से राजद ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया, उसको लेकर के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का ये बयान सामने आया था कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी सवाल थे, आप देख सकते हैं, जब भी आरसीपी सिंह की बैठकें हुई है उसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं थे, इसको लेकर भी हमने सवाल किए, और तमाम जवाब जो है वो शक्ति यादव ने दिया, जो राजद के पूर्व विधायक हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी सनी के साथ, अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।